और चलिए अब बिहार से जुड़ी राजनीतिक खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली में जहां हां किया था, वहीं पटना में अब ना कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पूरा माजरा क्या है। दरअसल मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया है अब नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार से जब मीडिया ने सवाल किया तो जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की इच्छा जता रही है, सवाल किया गया। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि इस पर नीतीश ने आगे खुलकर बात नहीं की। वहीं जब यही सवाल बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी से किया गया तो वो सवाल से कन्नी काटते हुए आगे बढ़ गए। और चलिए आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां एक तरफ नीतीश ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया है, वहीं मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने के सवाल पर सुशील मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये दो तस्वीरें हैं। सुशील मोदी कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं नीतीश ने इनकार कर दिया है कि जेडीयू मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। ये सिनेरियो पहले भी आपने देखा होगा जब चुनाव हुए थे, और उस समय ऐसा लग रहा था कि क्योंकि काफी बेहतरी से जेडीयू प्रदर्शन कर रही है तो हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले, तब भी इनकार किया था। अभी दिल्ली में हां किया और अब पटना में ना कर रहे हैं। वहीं कल केसी त्यागी ने किस तरह का रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर दिया था, पहले वो आपको दिखाते हैं। जब हम 2015 के मैंडेट के बाद जब अलग हुए, उसके बाद भी 1.5-2 साल तक हमारा कोई मंत्री नहीं था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने कभी कोई मांग इस तरह की नहीं की। हम चाहते हैं कि समरसता के लिए, एक रूपता के लिए और बिहार के समन्वय के लिए जनता दल यूनाइटेड को अगर निमंत्रण मिलता है तो हम तो हर समय तैयार है। ऑफकोर्स वही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर आरजेडी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू की नो एंट्री है। इसको लेकर किस तरह के रिएक्शन आए जरा सुनिए। जदयू की पलटी मार राजनीति करने की आदत हो गई है, गिरगिट के तरह रंग बदलती है। कल उनके नेता, जेडीयू के बड़े नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्षमता के आधार पर और संख्या के आधार पर अगर केंद्र मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो जेडीयू शामिल होगी। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये बकवास है, इसको खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि जेडीयू का सत्ता के लिए लार टपक रहा है। जनता दल यूनाइटेड की जो जीते हुए लोकसभा सदस्य हैं और जो राज्यसभा सदस्य हैं, निश्चित रूप से सत्ता का सुख तो भोगना चाहते हैं। बड़ी आशा के साथ जो है लोग दिल्ली में आए थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको उचित स्थान मिलेगा, लेकिन उनको उचित स्थान नहीं मिला। आज पुनः वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग इनकी इस कोशिश को समझ चुके हैं और बीजेपी इनको भाव देने वाली नहीं है। अगर और जी मीडिया संवाददाता रजनीश सीधे हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। रजनीश, जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, पहले ये बात हुई दिल्ली में कि शामिल होंगे, उससे पहले चुनावों के दौरान भी उन्होंने इनकार किया था, उसके बाद दिल्ली में भी हां की, अब पटना में ना कर रहे हैं, ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है, इसे कैसे समझे, क्या चल रहा है इस समय? देखिए सलोनी, जिस तरीके से राष्ट्रीय परिषद की जेडीयू की दिल्ली में बैठक के बाद बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पार्टी की ओर से आयोजित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था और केसी त्यागी बड़े नेता हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर उचित भागीदारी संख्या के हिसाब से मिलती है तो जेडीयू केंद्र में शामिल होगी सरकार में। लेकिन यहाँ पे आज सुबह जब हम लोग थे सरदार पटेल की जयंती के मौके पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो वो भागीदारी को लेकर केंद्र सरकार में, वो गाड़ी में बैठते समय सिर्फ इतना तक कहें कि ऐसी कोई बात नहीं, कहते हुए वो
निकल लिए। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद कुछ रह नहीं जाता है, लेकिन ये भी साफ है कि जिस तरीके से ये बड़ा मुद्दा मसला है, अगर इस बात से मना करना था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमूमन विस्तार से बातों को रखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जाहिर तौर पे अब 2020 का चुनाव जो है वो सामने में है, जेडीयू और बीजेपी के बीच में टिकट के बंटवारे को लेकर भी निश्चित तौर पे खींचतान होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में जेडीयू और बीजेपी के बीच में बीजेपी ने काफी तवज्जो दिया है जेडीयू को, और उसके लिए अपने 5 सांसदों को ड्रॉप भी किया है और 17-17 की बराबर की भागीदारी की है। अब बड़े भाई की भूमिका में जो विधानसभा चुनाव है उसमें जेडीयू है, अब चाहेगी बीजेपी की वहां पे भी अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाए और ये बार्गेन होगा। तो लिहाजा केंद्र में जो शामिल होने की बात है, लेकिन ये बात समझ से परे, जिस तरीके से जो बयान आए हैं विरोधाभासी 2 दिनों में 2 तरह के, तो अब ये आगे देखना होगा कि राजनीति किस तरीके से मूर्त रूप लेती है और केंद्र में भागीदारी को लेकर जेडीयू का क्या कुछ रुख होता है। लेकिन मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के बयान के बाद इसमें निश्चित विराम लग गया, चूंकि उनके बयान के बाद कुछ रह नहीं जाता, बयान के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखेंगे अभी क्या कुछ चेंजेस होते हैं, इस पर नजर बनाए रखिएगा। रजनीश, फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो जहां